फ्रेंड्स, दिस इज सबीना, योर होम एंड किचन एक्सपर्ट. आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक बारबेक्यू ग्रिलर लाई हूँ, जो है हॉट लाइफ की तरफ से. ये जो है रेड हॉट शेप में है एंड ये पोर्टेबल है. आप इसे इलेक्ट्रिक एंड चारकोल दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. एंड ये जो है 1000 वॉट है इसकी पावर कंजम्पशन. तो चलिए देख लेते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिल रही है, आप इसे कैसे असेंबल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं. सो गाइज, इसके साथ आपको मिल रही है 4 स्टैंड्स जिससे आप हार्ट को इसमें अटैच कर सकते हैं. एक चिमटा मिल रही है, कुछ स्टिक्स मिल रही है सीख के लिए, एंड आपको इसमें ग्लव भी मिलेगी. एंड ये जो रेड कलर की है ये इसकी शेड है जिससे इसमें हार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइज, ये जो स्टैंड्स है इसमें इसके साथ स्क्रूज भी है, इस तरह से आपको अटैच कर लेना होगा. बहुत ईजिली आप कर सकते हैं खुद से. 4 स्टैंड्स इसमें अटैच करने के बाद आपको इसमें जो हार्ट है इसकी शेड है उसे अटैच करना होगा. ये देखिए इसके ऊपर भी होल्स हैं, तो आप स्क्रू से इजीली इसे अटैच कर सकते हैं. तो हार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं एक हैंडल है जिससे आप इसे बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं. आप घर में एंड बाहर, आई मीन इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ही इसे यूज कर सकते हैं. फीस्ट के लिए गार्डन में आप इसे यूज कर सकते हैं. इसके बाद इसे आपको प्रीहीट करना होता है 10 मिनट के लिए, अगर आप इसमें तंदूर कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हो. उसके बाद मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन मैं रोस्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैंने एक सीख में एक डाला है एंड 2 लेग पीस में डायरेक्टली डाला है. तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, 15-20 मिनट के अंदर आपकी चिकन तंदूर बन जाती है, रोस्ट चिकन बन जाती है. तो इसमें मैं बटर से कोटिंग भी कर रही हूँ एंड यहाँ पर हमारी जो है रोस्ट चिकन रेडी है. तो रोस्ट चिकन बनने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरीके का हो जाता है. बट डोंट वरी गाइस, आप इसे बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी. ये देखिए इसकी जो स्टैंड है इसे आप निकाल के इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं. बहुत ही जल्दी ये क्लीन हो जाती है, ज्यादा झंझट नहीं है. एंड इसकी जो ट्रे है इसे आप निकाल सकते हैं. ये देखिए मैं इसे क्लीन करने के बाद इसमें अटैच भी कर रही हूँ. सो बहुत ही इजी टू यूज है गाइस, काफी हैंडी भी है, इसकी वेट भी ज्यादा नहीं है. आप इजीली कैरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं, तंदूर या फिर बर्गर कुछ भी. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे बाय करने में, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.